नमस्कार, विजन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चार महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, जिनका सदैव सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी बुरे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह विषय मैंने श्री रामचरितमानस से लिया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी ज्ञानवर्धक चौपाइयाँ हैं जिनका पालन किया जाए तो मनुष्य भयंकर पाप और दंड से बच सकता है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चार स्त्रियाँ हैं जिनका सदैव सम्मान किया जाना चाहिए। ये बात तब की है जब भगवान श्री रामचंद्र ने बाली को तीर से मारा था। मरते वक्त बाली ने भगवान श्री रामचंद्र से पूछा, हे प्रभु, आप तो सदैव धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, ऐसा क्या हुआ कि सुग्रीव आपका मित्र बन गया और मैं आपका शत्रु? मुझसे ऐसा क्या दोष हो गया प्रभु कि आपने मुझे मारा? तब भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी इन्हई कुदृष्टि बिलोकई जोई ताही बधे कछु पाप न हुई। राम कहते हैं, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने पर भी पाप नहीं लगता। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा क्योंकि बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने अधीन कर लिया था और ये महापाप था, इसलिए भगवान श्री राम ने स्वयं उसे दंड दिया। तो ये चार स्त्रियाँ, छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और खुद के बेटी को कभी भी बुरे नज़र से नहीं देखना चाहिए। आशा है कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।